फर्स्टली वेलकम टू इंडिया। आज आपके 100 एपिसोड्स हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि कितने खुश हो आप, तो क्या कुछ कहना चाहिए? वही खुशी है, क्या कहूँ, बहुत सारी खुशी है। अच्छा लग रहा है कि आप भी हमारे साथ इसमें शामिल है, क्योंकि इसी में तो मज़ा है। ऑडियंस, कास्ट, क्रू मिलकर ये सेलिब्रेट करें तभी तो मज़ा है, क्योंकि सिर्फ शो हमारा नहीं है, शो आपका भी है। सो थैंक यू सो मच, आप भी है इन्वॉल्व इन दिस, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव जो आप देते रहते हैं हमें। सो बहुत ओवरवेलमिंग सी फीलिंग है एंड ग्रैटिट्यूड है बहुत सारा। सो इतने दिनों बाद हम कल्याणी से मिले, तो हम जानना चाहेंगे कि कुछ सेट के ऊपर की जो किस्से होती है जो हमें नहीं पता होती और ऑडियंस को भी नहीं पता होती। सेट के किस्से बहुत होते रहते हैं, उसके लिए आपको सेट पे आना पड़ेगा हमारे ऐसे हमारे ये कैच करने के लिए, BTS कैच करने के लिए। पर ये कहूँगी कि सेट का माहौल बहुत ही अच्छा है, बहुत फैमिली जैसा है, इसीलिए बहुत सारे किस्से होते रहते, हंसते रहते, हंसाते रहते एक दूसरे को, बहुत फन मोमेंट्स होते रहते हैं सेट पे। एंड बहुत आई थिंक वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि बहुत संभाल के लेते एक दूसरे को, कि हम हमेशा एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं सारे के सारे, लेट इट बी द कास्ट, लेट इट बी द क्रू। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एक गोल के लिए हम सब साथ में मिलके सिंक में काम करते हैं। जैसे कि सीरियल का नाम है विद्रोह, तो उसमें ये ऐसा रोल प्ले करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो आपके लिए कैसा रहता है? चैलेंजिंग था, डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि एक हिस्टोरिक शो प्ले करने का मतलब ही है एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना ऑडियंस को जो है ही नहीं, जो क्रिएट करनी है। तो जब क्रिएशन की बात आती है फ्रॉम स्क्रैच, तब ऑब्वियसली चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमारी टीम काफ़ी रिसर्च्ड है, बहुत सालों से ये सपना देखा था सुब्रत जी एंड बोधी जी ने, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और उन्होंने वो साकार किया, और आज देखिए हम इस इतने इंपॉर्टेंट माइलस्टोन पर हैं। तो मुझे ऐसा मुझे ये कहना ज़रूरी लगता है कि ये क्रेडिट उनको कम्प्लीटली जाता है कि उन्होंने ऑथेंटिसिटी मेंटेन की हर एक चीज़ की। उड़ीसा का जितना कल्चर है दिखा सकते हैं हम वो हर एक सीन में, लेट इट बी आर कॉस्ट्यूम्स, लेट इट बी आर सेट, उसमें करने की कोशिश की है। एंड ट्रू टू इट्स टाइम, जो 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो वो करने में जो मज़ा आया है मुझे, आई थिंक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस बिफोर। एक ऐसी दुनिया में लेकर गए हैं हमें जो है ही नहीं, एंड बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट किया है ये वर्ल्ड, सो कूडोस टू देम। सो जैसे कि आपने बताया आपने हिस्टोरिक ये जो पूरा आप प्ले कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि आपको अगर कोई रोल प्ले करना है, ड्रीम रोल अगर आप पूछे, तो मैं आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट एट हार्ट, आई एम वेरी ओपन टू एब्सोल्युटली ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस। जैसे कल्याणी भी एक ऐसा किरदार है, मैंने सोचा नहीं था मुझे ये करना है, बट एट द सेम टाइम वो जब आया तब जो मज़ा आया, जो चैलेंजेस मैंने फेस किए, जो चैलेंजेस ओवरकम करके जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ऑन द 100th एपिसोड टुडे, वो ब्यूटीफुल है। सो आई एम समबडी हु लुक्स एट दैट। तो यही कहूँगी कि आई टेक वन डे एट अ टाइम, एंड आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट लाइफ हैज टू ऑफर फॉर मी। इस आउटफिट के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, ये रेड, रेड तो आपको पता ही है सिम्बल ऑफ क्या होता है, सिम्बल ऑफ बेसिकली, एंड ये लुक एट दैट, इट्स द मंथ ऑफ लव, फेब्रुवरी की हम बात कर रहे हैं, एंड सी आई एम वेयरिंग अ रेड आउटफिट। वैलेंटाइंस डे की तैयारी करिए कल्याणी, आई थिंक देखिए आप शो देखिए, फिर आपको पता चलेगा मैंने ये आउटफिट क्यों पहना है। ज़्यादा से ज़्यादा फैंस को क्या मैसेज देना? यही कहूँगी कि इट्स द मंथ ऑफ लव, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा लव दिया है हमारे शो को, ऐसे ही देते रहिए, सिर्फ मंथ ऑफ लव नहीं उसके बाद भी देते रहिए, हमेशा देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार ही सब कुछ है हमारे लिए। थैंक यू, थैंक यू।